तो भाई लोग सीन कुछ ऐसा रहता है कि अपनी जिंदगी हो जाती है बोरिंग, क्योंकि यार मेरे को लग रहा था कि बहुत ज्यादा मिशन यार अजीब लग रहा था कि यार मैं GTA पे इतने सारे GTA गेम खेल चुका रहता हूँ कि यार मुझे इसके मिशंस कंप्लीट करने में बहुत ही ज्यादा मजा नहीं आ रहा था, बहुत ही ज्यादा बोरिंग टाइप लग रहा था। तो मैं क्या सीन करता हूँ कि भाई मैं इस गेम को ना मोड कर लेता हूँ, और मोड करके क्या करता हूँ भाई, सीधे इसके सारे के सारे मिशंस कंप्लीट कर लेता हूँ। और यार उसके बाद मेरी जिंदगी हो जाती है कलरफुल से सीधे ब्लैक एंड व्हाइट। और यार इतना बोरिंग लगता है कि मैं क्या करूँ आखिर GTA में, आखिर मतलब इस अपने शहर को, अपने गांव को, अपने देश को, मतलब सॉरी अपने इस शहर को कैसे बचाऊँ, आखिर क्या करूँ इस शहर के लिए। अच्छा तुम लोग बोलोगे यार ये कितना बेवकूफ लौंडा है कि यार इसको सारे मिशन कंप्लीट करने चाहिए, पर इसने नहीं किए, इसने मोड कर लिए। तो हाँ यार तुम कह सकते हो कि मैं बहुत ही ज्यादा लेजी टाइप इंसान हूँ, तो यार अब क्या कर सकता हूँ, तो मैंने कर लिया। तो सीन कुछ ऐसा रहा था कि मैं सोचता हूँ कि अब आखिर क्या आगे किया जाए। तो देखो यार अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लेना भाई, और यार देखो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो भाई आपके लिए ना बहुत सारा प्यार है भाई, बहुत 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 सारा आय हाय हाय हाय। तो यार देखो अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर बताना कि कमेंट में कि यार कैसा आखिर आपको वीडियो लगा और मजा आया कि नहीं मजा आया। तो यार देखो बहुत ही ऑसम वीडियो होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहो और देखते रहो क्या होगा। अभी सीन को ऐसा रहता कि मैं यार बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा होता तो सीधे सिगरेट पीना शुरू कर देता हूँ, डिप्रेशन में आ जाता हूँ। तो देखो यार ये सब चीज़ें नहीं पीनी चाहिए, तुमको पता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ भले वो अलग सीन है कि मैं रोज रोज तपरी पे जाता हूँ और मैं मतलब क्या बढ़िया था गुरु तो तुम वो सब चीज़ें भूल जाना जो मैंने कहा अभी। तो अभी मैं सोचता हूँ कि आखिर क्या किया जाए, क्या ऐसा करूँ कि जिससे मजा आए, पर ऐसा कुछ होता नहीं है भाई। और देखो क्या ही मतलब शाम सुहानी हुई रहती है पर बहुत ही ज़्यादा जिंदगी बोरिंग रहती है। तो मैं बस ऐसे ही टहल रहा था ऐसे सोचता हूँ चलो यार चॉप के साथ कुछ किया जाए। तो चॉप को मैं सोचता हूँ चलो यार थोड़ा घुमा लिया जाए इसको, तो मैं बोलता हूँ चलो भाई चॉप तू टट्टी बहुत कर लिया, अब तेरे को थोड़ा घुमा लेते हैं। तो मैं चॉप को ऐसे ही ले जाता हूँ घुमाने की, तो मैं बाहर निकलता हूँ, बाहर निकल के देता हूँ कुछ है नहीं, तो मैं सोचता हूँ चलो यार गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी में बैठ के कहीं जाएंगे, तो देखते हैं आखिर हम गाड़ी में बैठ के कहाँ जाने वाले। तो चॉप को सीधे बैठा लेता हूँ मैं, अब मैं बोलता हूँ चल भाई, तो पहले गाना अपने को बंद कर लें दो यार, बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब करता, बहुत ही ज़्यादा मेरे को इरिटेटिंग टाइप लगता है। मैं बोलता हूँ चलो यार चलते सीधे थोड़ा चॉप के साथ घूमते फिरते हैं और फिर आगे 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 देखो चल क्या। तो मैं थोड़ा बस ड्राइवर हूँ भाई, तो मेरी ड्राइविंग स्किल के बारे में यार तुमको पता ही है कि मैं कितना प्रो ड्राइवर हूँ। अच्छा तो ऐसे मैं ड्राइव करता रहता हूँ बहुत ही तेजी से, क्योंकि देखो यार मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा खराब रहता है और यार मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ही ज़्यादा बोर हुआ रहता हूँ और मेरे को समझ नहीं आता आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। यार ऐसी बहुत ही ज़्यादा मतलब दिमाग का दही हो रखा होता है। तो मैं ऐसे ड्राइव कर रहा होता हूँ और तभी तो देखो यार मैं यहाँ पे जैसे ही जा ही रहा था तो मेरे अचानक से गाड़ी की पेट्रोल ही खत्म हो जाती है। तो मैं सोचता हूँ आखिर मैं अब क्या करूँ, यहाँ पे आखिर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं होती है, तो मैं सीधे बाहर निकलता हूँ गाड़ी से और सोचता हूँ यार अब आखिर क्या किया जा सकता है। तो मैं अपना फ़ोन निकालता हूँ, स्मार्टफोन मेरे पास है तुमको पता ही है दोस्त, तो मैं सीधे लगा देता हूँ कॉल और यहाँ पर मैं सीधे कॉल लगा देता हूँ। बिजी जा रहा होता है, मैं बोलता हूँ अब मैं क्या करूँ भाई, अब आखिर क्या करूँ। तो मैं सीधे जाता हूँ एक बैरी नाम के बंदे को सीधे कॉल लगाता हूँ और देखता हूँ वो कॉल पिक करता है कि नहीं करता है। तो यार रिंग जा रहा होता और मैं उसे बोलता हूँ कि भाई देख मेरे को ना मेरी जो गाड़ी है उसकी पेट्रोल खत्म हो रखी है, तो अपनी जो सुपर कार है, अपनी जो सुपर फास्ट है, तो सीधे वो अपनी भेज दे। तो वो बोलता कि चल ठीक है भाई मैं तेरे को भेज दे रहा हूँ और तू जल्द से जल्द वो गाड़ी मेरे को वापस कर देना। मैं बोला चल ठीक है भाई मैं तेरे को वापस कर दूंगा। तो बोला कि मैं अभी एक ड्राइवर के साथ तेरे पास वो गाड़ी भेज रहा हूँ और तू देख यार गाड़ी को संभाल के चलाना, उस गाड़ी के साथ अगर कुछ भी हुआ तो मैं यार तेरी जिंदगी झंड कर दूंगा। तो मैं डर जाता हूँ, मैं बोलता हूँ गाड़ी लू या नहीं, मैं बोलता हूँ चलो ठीक है ले ही लेता हूँ। तो देखो यार ये रहती है वो उसकी सुपर कार और क्या ही ऑसम ब्लैक कलर की, क्या ही सेक्सी गाड़ी लग रही होती है। तो मैं सोचता हूँ चलो यार इस गाड़ी को थोड़ा देखते हैं कि इसका कितना स्पीड है, क्या है क्या नहीं है। तो मैं इसे सीधे गाड़ी को सीधे एकदम पूरा का पूरा गियर इसका मार देता हूँ और सीधे इसका स्पीड एकदम पूरा फुल कर देता हूँ और मैं ऐसे ड्राइव करके जाऊँगा। तो और देखो यार
मेरी गाड़ी सीधे यहाँ से सीधे पलट जाती है। तो भाई लोग वहाँ पे जो मेरा एक्सीडेंट हुआ रहता, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा अपना मरम पट्टी कराता हूँ। मरम पट्टी कराने के बाद मैं यहाँ से सीधे निकलता हूँ और मैं इस गाड़ी की सीधे फुल एकदम स्पीड टेस्ट करूंगा। वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ रहता, तो मेरे को थोड़ा बहुत चोट आया रहता है और मैं सोचा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ही चोट है, क्या ही दिक्कत है। तो मैं उस गाड़ी को और ज़्यादा स्पीड करता हूँ और देखो मेरे साथ क्या चीज़ होने वाला है। मैं यहाँ पे जैसे गाड़ी को स्पीड करता हूँ, यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह मेरे साथ बहुत होते रहते हैं। मैं बोलता हूँ चल ठीक है भाई, क्या दिक्कत है यार, गाड़ी अपनी एकदम सुपर फास्ट है, अरे गाड़ी का थोड़ा कुछ हुआ तो बनवा देंगे भाई, क्या ही दिक्कत है, पैसे अपने पास है, बहुत ही पैसे है। तो ऐसे में बहुत ही ज्यादा स्पीड में चला रहा होता हूँ गाड़ी को और एकदम तेज से, और मेरा एक्सीडेंट सीधे हो जाता है। और यहाँ पे भाई मेरी बहुत ही बुरी एक्सीडेंट हो जाती है और मैं यहाँ पे सीधे मतलब डेड हो जाता। तो भाई लोग जब मेरी वहां से आंख खुलते तो मेरे को लगता कि मैं यार मर गया होगा, एकदम पूरा डेड हो गया होगा। लेकिन मैं एक बहुत ही अजीब से मिस्टीरियस प्लेस पे आ जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि आखिर यहाँ पे क्या चीज, क्या सीन चल रहा है भाई, आखिर मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। और देखो यार मैं यहाँ पे बैठा हुआ रहता हूँ कि यार मेरी एकदम अचानक से आंख खुल जाती है, मैं सब कुछ एकदम मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रहा होता है कि मैं यार एक वक्त पे ड्राइविंग कर रहा हूँ और अचानक से मेरी एक्सीडेंट हो जाती है और जब मेरी आंख खुलती है तो मैं इस मिस्टीरियस प्लेस पे हूँ। आखिर मेरे साथ हुआ क्या, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ और अब आगे मेरे साथ क्या होगा, मेरे को कुछ भी अंदाज़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और देखते रहो यार कि आगे मेरे साथ क्या क्या होता है, बने रहो मेरे साथ। देखो यार अभी अचानक से मतलब मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले उठ करके मैं निकलूंगा इस जगह से और देखूंगा कि आगे और क्या चीज होने वाली है मेरे साथ और क्या मैं यहाँ से निकल पाऊंगा जिंदा वापस या फिर मेरी यहीं पे नहीं यार डूबने वाली है रे बाबा। देखो यार मैं यहाँ से निकलने के लिए रास्ते ढूंढता हूँ कि यार आखिर यहाँ से कैसे निकला जा सकता है, पर यहाँ देखता हूँ कि यार यहाँ तो पानी ही पानी है, यहाँ से तो रास्ते बाहर निकलने के हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं कहीं फंस तो नहीं गया, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एक यहाँ पे बहुत ही मोटा सा लोहे का गेट है और यहाँ पे मैं आगे जाता हूँ तो देखता हूँ कि यार ये गेट खुल सकता है। तो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, बहुत तेज से दौड़ता हूँ और देखो यार यहाँ से निकल के ना मैं क्या करने वाला हूँ कि देखो मतलब मैं अपने आप को पहले साफ सुथरा करूंगा क्योंकि यार बहुत ही ज्यादा ब्लड ब्लड हो रखा और मैं कैसे जिंदा बच गया मेरे को खुद ही नहीं पता। तो देखो यार ये इस रास्ते खोलने मतलब यहाँ पे खुल ही नहीं सकता ये रास्ता, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे ये लिफ्ट है यार, देखो ये थर्ड फ्लोर पे, मैं सीधे अब जाऊंगा यहाँ से बाहर, यहाँ से निकल जाऊंगा। देखो यार गाइज मैं यहाँ से वहां से बाहर निकल गया और वहां से निकलने के बाद मैं सोचता हूँ कि यार आखिर मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं कैसे मतलब उस एक्सीडेंट से आखिर बचा कैसे और उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया उस जगह पर, तो मेरे को कुछ भी अंदाजा नहीं है। और मेरे साथ और आगे क्या होने वाला मेरे को वो भी कुछ अंदाजा है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और देखो यार फिलहाल तो मैं बहुत ही ज्यादा गंदा हो रखा होता हूँ, खून से लथपथ रहता हूँ और मेरे यार कपड़े भी बेकार हो गए रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि चलो यार पहले अपने कपड़े बदलते हैं, अपना ये खून वगैरह सब कुछ साफ करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नियरेस्ट जो प्लेस है यहाँ पे कोई मॉल वगैरह कुछ ऐसा है जिसके पास मैं जा करके मतलब अपने आप को थोड़ा साफ सुथरा कर सकूँ, कपड़े वगैरह बदल सकूँ। तो देखो यार यहाँ पे मेरे आसपास में एक ये चीज़ दिख रही है, तो मैं यहाँ पे सीधे यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देखो यार मैं अपने कपड़े वगैरह बदलूंगा और यहाँ से यार पहले निकलते हैं यहाँ से यार, क्योंकि देखो यहाँ पे ना काफी ज्यादा मेरे को डर लग रहा है और यार इतना भाई मैं तो क्या ही बताऊं। और देखो यार यहाँ पे ना मतलब ऐसे ऐसे मेरे साथ चीजें हुई रहती है ना जिसका मेरे को अंदाजा बिल्कुल भी नहीं रहता कि मेरे साथ ये भी चीजें हो रखी हैं। तो अभी मेरे को कुछ अंदाजा नहीं कि मैं वहां कैसे गया, किस लिए गया, किस लिए उन्होंने मेरे को लेके गया, आखिर मेरे साथ उन्होंने क्या क्या किया, कुछ भी नहीं। तो चलो यार यहाँ से बाहर निकलते हैं और यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं पहले अपना हुलिया बदलूंगा और हुलिया बदलने के बाद उसके बाद देखेंगे कि आखिर सोचेंगे कि आखिर हमारे साथ क्या सीन हो रखा था और आखिर हमारे साथ ऐसा हुआ क्यों। तो देखो यार मैं यहाँ पे पहुंच गया तो इस मॉल में और इस मॉल में यार यहाँ पे देखो क्या मेरे को कुछ कपड़े वगैरह मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। तो पहले यहाँ पे अंदर जाता हूँ मैं और देखता हूँ कि यार मेरा हुलिया क्या बदलने में ये मदद कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, उनसे बोलता हूँ कि यार कुछ कपड़े वगैरह दे दो क्योंकि मेरा हाल बहुत ही बुरा हो गया रहता है, मेरा एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया रहता है। तो इन्होंने बोलता कि देखो यार मेरे से दूर रहो, मैं यार पुलिस को कॉल कर दूंगी। तो मैं बोलता कि यार देखो पुलिस को कॉल मत करो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। तो बोलते चलो ठीक है जाओ तुम शॉपिंग कर लो, लेकिन जल्द से जल्द यहाँ से निकलो और भाग लो वरना तुम्हारे कुछ छोड़े की लाग करे मार के मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। मैं बोलता चल ठीक है भाई क्या ही दिक्कत है। तो यहाँ पे मैं पहले अपने लिए कपड़े खरीद लेता हूँ और अपना हुलिया थोड़ा साफ कर लेता हूँ। तो देखो भाई लोग अभी यहाँ पे मैं अपना हुलिया भी साफ कर लेता हूँ और अपने आप को थोड़ा अच्छा खासा कपड़ा ही पहना देता हूँ और मैं खुद को आईने में देखता हूँ कि यार मैं आखिर कैसा लग रहा हूँ। तो यार
क्या ही बवाल लग रहा हूँ मैं, बहुत ही ज्यादा बवाल लग रहा हूँ। तो चलो यार यहाँ सब निकलते हैं और आगे चल के सोचते हैं, इन्हें मैंने पैसे दे दिए। देखो मैम, मैंने आपको पैसे दे दिए, मैंने गूगल पे किया, झूठ मत बोलना, अगर झूठ बोला आपने तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। तो चलो ठीक है, मैं चलता हूँ मैडम। तो यार देखो, अभी मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और यहाँ से बाहर निकलने के बाद ना मैं सोचता हूँ ना कि आखिर मेरे साथ यहाँ हुआ क्या था भाई। आखिर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने मेरे को वहाँ उतना दूर क्या करने के लिए मेरे को ले गया था भाई, और मेरे साथ क्या क्या उन्होंने किया। तो मैं पहले ना शांति से यार यहाँ से निकलता हूँ। तो देखो यार, मेरे को अंदाज़ा नहीं मेरे साथ क्या होने वाला होता है। तो भाई लोग, मैं यहाँ से जैसे निकल रहा होता हूँ, मैं ऐसे सोचता चलो यार कोई गाड़ी वगैरह लेता हूँ, मैं रोकता हूँ किसी गाड़ी को, और जैसे ही मैं यार इस गाड़ी, यार गाड़ी वाले मेरे को ठोक गया भाई, मैं इस गाड़ी वाले को ना नहीं छोड़ने वाला। और मैं जैसे ही, मैं यार देखो इस गाड़ी वाला, अरे भाग रहा अब उसका गुस्सा, अरे इसने मेरे को ठोक गया भाई। अब देख, बहुत ही ज़्यादा बहुत हो गया यार। एक तो मेरा इसे दिमाग था, और ये ओ भाई आखिर ये हुआ क्या भाई साहब, ये आखिर हुआ क्या। और एक मिनट, मेरा हेल्थ भी डाउन नहीं हुआ यार, मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है, कहीं उन्होंने मेरे को, मेरे अंदर कोई पावर वगैरह तो नहीं डाल दिया भाई। भाई भाई, अरे फिर मेरे को ठोका, इसकी जात की पैदाइश की भूख मारूं मैं, देखे एक बार तक। ओ भाई क्या ही बवाल चीज हो रखा है यार, मेरे पास सुपर पावर्स आ रखे हैं भाई। ओ भाई साहब, और किस तरह के मेरे पास पावर है, पहले मैं ये एक बार और टेस्ट करता हूँ यार। देखो तीन बार हम लोग का, देखो जब भी कोई टॉस वगैरह उड़ाते थे बचपन में खेला करते थे यार, तीन बार ट्राई करते थे और तीसरी बार जो होता था हम उसी को सच मानते थे। तो यार मैं एक और बार इसको ट्राई करूंगा और देखता हूँ क्या ये सच है कि झूठ है। तो मैं जैसे इसको मारा भाई, और ये यहाँ पे उड़ गया। अरे भाई क्या बात है। तो चलो यार देखते हैं एक और बार उड़ाते हैं, और चल भाई तू भी उड़ जा। अरे नहीं उड़ा यार, ये बच गया। और आगे अभी और देखते हैं यार अपने पास और क्या क्या एबिलिटीज हैं। तो चलो यार अभी मैं चलता हूँ और यहाँ पे जंप करके देखता हूँ कुछ होता है। तो जंप नहीं कर रहा भाई। अरे ये क्या हो रहा भाई। अरे नहीं, मैं इस गाड़ी को कंट्रोल भाई, मेरे पास मैग्नेटो का पावर आ गया, मैं इन सबको कंट्रोल कर पा रहा हूँ भाई। ये तो वेर भाई, ये मैं कर रहा हूँ भाई, मैं इन गाड़ियों को ना पूरा का पूरा एकदम तहस नहस कर सकता हूँ इनके पास जा करके। और ये देखो, ये जैसे मेरी रेंज में आएंगे ना भाई, मैं जब चाहूँ इन गाड़ियों से ना वार लगा सकता हूँ और इनको रोक सकता हूँ, इनको चलने से मना कर सकता हूँ। ओ भाई मैं इनको हवा में उड़ा सकता हूँ। ओ भाई भाई यार, ये देख रहे हो, यहाँ तक कि मैं गाड़ियों को ही नहीं, यहाँ तक कि इंसानों को ही नहीं हवा में उड़ा सकता हूँ। अरे भाई ये देख रहे हो पावर मेरे। और अगर मैं इन्हें छोड़ता हूँ तो क्या होगा इनके साथ, अभी देखते हैं। अगर मैं इन्हें, ओ भाई यार ये क्या हुआ, फिर से ट्राई करेंगे इस चीज़ को, फिर से ट्राई करेंगे और देखते हैं अभी और आगे क्या होता है। और ये इस गाड़ी को मैं उड़ा खुश कर दूँ। ऊर्जा मेरी जान ऊर्जा। ओ भाई पटक गई गलती से मेरे से छूट गया। ठीक है यार, चलो एकदम पूरा कंसंट्रेशन एकदम हवा में उड़ा देना। अरे भाई एकदम पूरा गाड़ी हवा में हो रखी है यार, देख रहे हो यार। इस चीज के लिए तो यार एक लाइक तो बनता है भाई, सच्ची बता रहा हूँ, इस चीज के लिए एक लाइक तो बनता है। तो यार जल्द से जल्द एक लाइक कर दो यार, बहुत ही शुक्रिया यार। और देख रहे हो यार क्या ही बवाल पावर। अरे ये तो मरा हुआ इंसान भी हवा में उड़ रहा है, ये कैसे हो रहा है भाई। चलो ठीक है यार, अभी फिर से छोड़ दो भाई। क्या बात है यार, क्या ही बात है फ्रैंकलिन, यार तेरे पास तो गजब के बवाल पावर ना रखे। तो चलो यार अभी और देखते हैं अभी और अपने पास क्या आ रखा है। तो फिलहाल तो यार यही सारी चीज़ें हैं। तो चलो अभी और आगे देखेंगे यार, अभी और आगे क्या मेरे साथ होता है। तो भाई अभी और देखते हैं अपने पास क्या पावर है। फिलहाल तो यार इतना ही, फिर एक और बार ट्राई करता है, क्योंकि इसमें बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो चलो यार मैं अपना मैग्नेटो वाला पावर एकदम इस्तेमाल कर रहा हूँ और सबको हवा में उड़ाऊंगा। अरे क्या मज़ा आ रहा है भाई। तो देखो यार पूरे लोगों को मैंने हवा में उड़ा दिया, यहाँ तक कि वो जो भाग रहे उनको भी मैं हवा में उड़ा सकता हूँ। रुक जाओ ससुर के नाते, तुमको भी मैं हवा में उड़ाऊंगा। तुम कहाँ भाग रहे हो भाई। रुको। अरे भाई हवा में भागते हुए दो फायर ब्रिगेडियन। अरे भाई ओ भाई क्या सीन लग रहा है यार, क्या ही बात है फ्रैंकलिन यार, तेरे पास तो गजब के पावर आ रखे। तो फिलहाल इनको छोड़ते हैं और ओ भाई
और एक बात नोटिस क्यों गाइस, मैंने इतनी तबाही मचाई और मेरे पीछे एक पुलिस तक नहीं आई, एक भी पुलिस नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पीछे कभी भी पुलिस लग नहीं सकती है। और देखो यार अभी अपने पास और क्या क्या एबिलिटीज है और अभी चेक करते हैं। तो देखो मैं ऐसे जा रहा हूँ और देखता हूँ क्या। ओ भाई मैं तेज दौड़ सकता हूँ। अरे भाई 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 ये क्या हुआ भाई, मेरे पास फ्लैश की भी पावर आ रखी है। अरे भाई 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 एक मिनट एक मिनट, ये कौन मेरे को मार रहा है बे? अबे ये कौन मेरे को मारा अभी? तुम ससुर के नाते तुमको पता नहीं कि यहाँ पे कौन आ रखा है? तुम्हारे बाऊजी आ रखे हैं ससुर के नाते, तुम हमको मार रहे? ये मार कौन रहा है बेटी चुप? अबे मार कौन रहा है भाई, कहाँ से मार रहा है? ओ भाई गन के साथ भी यार इन्होंने पूरा का पूरा खेल एकदम बिगाड़ दिया क्या यार। देखो मेरे को अच्छा ये रहा। अबे मैं जेल में आ गया हूँ भाई, मैं तो जेल में आ गया हूँ। अबे भाई मैं तो जेल में आ गया हूँ यार। ओ भाई पहले मेरे पास फायरिंग यहाँ से हो रही है, ये कुछ पुलिस वाले हैं। नहीं मैं इनको उड़ा नहीं पा रहा हूँ, मैं एक बार स्नाइपर यहाँ पे स्नाइप करता हूँ। ओ भाई मेरी गन में भी पावर्स आ रखी है और यहाँ पे देखो मेरे पास बहुत ही ज्यादा गोलियां मेरे को लग चुकी है और मेरा हेल्थ भी डाउन नहीं हुआ भाई। लोग देख रहे हो मेरा हेल्थ भी डाउन नहीं हुआ है। और यार ऐसे सुपर पावर्स के साथ तो यार मैं यहाँ का राजा बन सकता हूँ भाई, मैं यहाँ पे राज कर सकता हूँ। तो चलो यार अभी यहाँ पे राज करेंगे अपन लोग और मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। तो चलो यार देखते अभी यहाँ पे कैसे निकल सकते हैं अपन। तो यार मैं यहाँ पे बहुत ही तेज, और क्या मेरे को यार जेल में डाल दिए सब क्या ये लोग? भाई कुछ तो करो भाई, निकालो मेरे को यहाँ से, मैं फंस गया हूँ भाई। और यार मैं यहाँ पे निकल गया और देखो यार क्या ही ऑसम पावर, और मेरी हेल्थ एबिलिटीज भी डाउन नहीं हो रही है भाई, समझ रहे हो? मेरी हेल्थ एबिलिटीज भी डाउन नहीं हो रही है और ऐसे पावर के साथ ना भाई मैं कुछ भी तबाह वगैरह कर सकता हूँ। तो चलो यार फिलहाल यहाँ से निकलते हैं अपन लोग और आगे भी देखेंगे कि अपने पास क्या क्या पावर है। और यार यहाँ पे तो यार ये मैं दौड़ते दौड़ते अबे भाई मैं दौड़ते दौड़ते हवा में भी उड़ सकता हूँ। और मेरे पास पैराशूट, शुक्र है कि मेरे पास पैराशूट का अनलिमिटेड पैकेज है, वरना मैं तो भाई यहाँ पे मर गया रहता भाई कब का। तो यहाँ से अपन लोग निकलते हैं ट्रेन। अच्छा एक काम करते हैं, क्या हम ट्रेन को रोक सकते हैं अपनी इस पावर से? तो चलो यार देखते कोशिश करते हैं, क्या पता रुक जाए। ट्रेन पीछे से आ रही है क्या? हाँ ट्रेन पीछे से आ रही है अपने पास और इसको रोकने की कोशिश करेंगे। और अगर मर गए तो भाई मतलब आगे इसको रोकने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल रोकने की कोशिश करेंगे। और रुक जा, अरे भाई रुकी नहीं है, पर मैं मरा नहीं, देख रहे हो भाई लोग मैं मरा नहीं हूँ। और भाई मैं ट्रेन में बैठ गया, अरे भाई मैं ट्रेन की सवारी कर रहा हूँ फ्री फंड में। भाई मैंने टिकट वगैरह कुछ भी नहीं लिया, सच्ची बता रहा हूँ, मैंने एक टिकट भी नहीं लिया और मैंने एक रुपया भी टिकट में नहीं दिया और मैं इस ट्रेन की सवारी कर रहा हूँ, क्या बात है यार। तो चलो आगे बढ़ते भी इस ट्रेन को उड़ा सकता नहीं यार। अरे इस ट्रेन में तो बहुत सारी लोहे वाली चीज़ें भाई, तो इस ट्रेन को तो उड़ाने चाहिए थे भाई। चलो कोई अच्छा मतलब इन बगल की चीज़ों को मैं उड़ा सकता हूँ और इसको मैं मार रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ उसको, और कुछ हो नहीं रहा भाई। तो चलो यार यहाँ से अपन निकलते हैं क्योंकि यार यहाँ पे तो इस ट्रेन के साथ कुछ कर नहीं पा रहा हूँ मैं, तो इस ट्रेन को ना मैं बाद में देखूँगा। तो भाई लोग मैं उस ट्रेन से निकल जा रहा था और आगे चल के ना मैं अभी अपनी पावर को ना और अच्छे से टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैडम पहले पापा की परी तो निकलो, अरे बच गई भाई, पापा की परी बच गई, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। क्या मैं पत्थर भी उठा सकता हूँ? ओ भाई क्या मैं उसको उठा के फेंक सकता हूँ, मार सकता हूँ किसी को? नहीं नहीं यार मैं मार नहीं सकता, बस मैं उसको उठा सकता हूँ, लेकिन मैं अच्छा तू भी आ जा बेटे, तू भी आ जा, तू क्यों पीछे हो रहा है? और कोई पीछे भी है क्या? ओ भाई 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 तो इनको उठा करके सीधे फेंकूंगा और मेरा दिमाग खराब हो रहा। और ये लो तुम्हारी जात की, तो देखो यार मैं इनकी वाट लगा देता हूँ और मैं देखता हूँ कि यार क्या मेरे पास पानी वाले भी कुछ पावर्स हैं या फिर मैं मतलब ऐसी बस मेरे पास थोड़े बहुत छोटे बहुत पावर है। तो मैं सोचता हूँ कि चलो यार क्या मैं मतलब थोड़ा पानी में जाके देखता हूँ। और मैं यार जैसे ही पानी में गया और मैं तैर क्यों नहीं रहा भाई? अरे मैं पानी के नीचे चल रहा हूँ भाई, मैं पानी के नीचे चल रहा हूँ। ओ भाई भाई ये क्या, तो भाई लोग देख रहे हो मैं पानी के नीचे चल रहा हूँ यार, ये कैसे चीज़ हो सकता भाई? ये मतलब ये चीज़ तो अलग ही लेवल हो गया। और क्या यहाँ पे पहले पानी में शहर बसा हुआ था क्या? तो देखो यार यहाँ पे ना ये देखो मेरी हाइट वगैरह को तो कुछ छोटी नहीं हुई, देखो ये मछली मेरे को फिर भी मतलब छोटी ही लग रही है। और यहाँ पे देखो किसी तरह का शायद हो सकता है मे बी यहाँ पे पहले कोई घर वगैरह हो और यहाँ पे ना घर होने के बावजूद यहाँ पे मतलब बाढ़ आ गया हो या फिर पानी भर गया हो और इस वजह से यहाँ पे पूरा का पूरा ये
घर या फिर शहर जो भी है ये पानी के नीचे अंडर वाटर हो गया होगा, और मैं अभी यहीं पे आया हूँ और देखो यार मैं पानी के नीचे चल रहा हूँ और मेरी सांस वगैरह भी फूल रही है। हो सकता है मेरे पास एक्वामैन जैसी पावर आ गई हो, तो यार कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता मेरे पास किस किस तरह की पावर्स है। और यहाँ पे देखो, और यहाँ पे तो कोई शिप डूबी थी, बहुत ही पुरानी शिप है यार, बहुत इसमें तो जंग वगैरह सब खा गए हैं सब। तो चलो यार पानी से अभी फिलहाल बाहर निकलते हैं और आगे और भी ऐसे पावर्स देखने हैं, तो यार मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो और ऐसे बहुत ही सारे मजेदार वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे इस चैनल पे। तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है। तो भाई लोग बस आज के लिए ना हम अपन लोग इतना ही रखते हैं, और आगे और कैसे कैसे पावर्स मेरे पास आने वाले हैं, क्या क्या मेरे साथ होने वाला है और क्या क्या कहानियां मेरे साथ आगे घटेंगी, उसको जानने के लिए यार चैनल के साथ जुड़ जाओ, फैमिली में यार तुम्हारा स्वागत है और ऐसे बहुत ही मजेदार वीडियोस आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यार, जय हिंद।